इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास होगा। इस बार कर्तव्य पथ पर मातृशक्ति का अद्भुत अंदाज दिखेगा। भारत की जाबाज बेटियां हवा में अटखेलियां करती दिखेंगी। विकसित भारत और इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी की थीम पर आयोजित हो रहे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मातृशक्ति का बोलबाला रहेगा। कर्तव्य पथ के ऊपर से जब भारत की 8 बेटियां फाइटर जेट लेकर उड़ान भरेंगी तो नए भारत की गर्जना चारों ओर सुनाई देगी। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड का समापन हर बार फ्लाई पास्ट के साथ होता है। ये फ्लाई पास्ट समारोह का सबसे रोमांचक पहलू होता है, जब आसमान में हमारे जाबाज फाइटर जेट्स के साथ करतब दिखाते हुए तिरंगे को सलामी देते हैं। इस बार फ्लाई पास्ट में महिला पायलट को खास तवज्जो दी गई है। कर्तव्य पथ पर इस बार 45 विमान फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे, जिनमें 29 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें तेजस, राफेल, सुखोई, MiG-29 शामिल हैं। खास बात यह है कि 8 महिला पायलट इस बार इन विमानों के साथ करतब दिखाती नजर आएंगी। MiG-29 लड़ाकू विमान को फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुनिया नंजपा उड़ाएंगी, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरती तोमर Sukhoi-30 से हवा में कलाबाजियां दिखाएंगी। ट्रांसपोर्ट विमान ड्रोन एयर C-17 ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस C-130 को भी महिला पायलट उड़ाती हुई नजर आएंगी। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह की एक और बड़ी बात यह है कि पहली बार सबसे ज्यादा महिला सैनिकों के दस्ते मार्च करते दिखेंगे। भारतीय सेना की आर्टिलरी महिला ऑफिसर्स भी पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी। कर्तव्य पथ पर मोटरसाइकिल के ऊपर महिला डेयरडेविल्स हैरतअंगेज स्टंट करती भी नजर आएंगी। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत भी महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम से की जाएगी, जिसमें 100 महिला कलाकार भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ परफॉर्म करेंगी। कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार जमीन से लेकर आसमान तक मातृशक्ति का शक्तिबोध देखने के लिए मिलेगा।